Hey, what's up guys? मैं हूं नवनीत पांडे और थ्योरी ऑफ थ्योरी के इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़गांव के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। सो गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। गुड़गांव बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ हमारे देश का एक बहुत ही अनोखा शहर है। इसी शहर में बहुत ही तेजी से कॉरपोरेट ऑफिसेस बढ़ रहे हैं और आसमान को छूती हुई इमारतें भी बनाई जा रही है। गुड़गांव की नाइट लाइफ भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर इसी नाइट में गुड़गांव की कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर कोई भी आदमी भूल कर भी जाना नहीं चाहता है। साफरन बीपीओ गुड़गांव का एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड लोकेशन है। इस बीपीओ में बहुत साल पहले एक बहुत ही अजीब घटना घटी थी। ये माना जाता है कि इसी बीपीओ में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज था, और ये लड़की कई सालों से इसी बीपीओ में काम करती आ रही थी। ऑफिस में बहुत ही पुरानी एम्प्लॉय होने के कारण इस लड़की के कई सारे दोस्त थे, और ये माना जाता है कि ये लड़की अपने ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहती थी। पर एक दिन अचानक से ही ये लड़की ने ऑफिस आना बंद कर दिया। कई दिनों से ऑफिस ना आने के बाद उस ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उस लड़की के घर पर जाकर प्रॉब्लम पता लगाने की कोशिश की। पूछताछ करने के दौरान उन ऑफिस एम्प्लॉयज को इस बात का पता चला कि वो लड़की कई सालों पहले ही मर चुकी है। इस भयानक बात का पता चलते ही इस ऑफिस में काम करने वाले सारे ही एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा डर गए। आगे चलकर इस बात का पता चला कि ये बीपीओ एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था, और इसी वजह से इस बीपीओ में बहुत सारी हॉन्टिंग्स हो रही थी। साइबर सिटी। ये माना जाता है कि साइबर सिटी के पास एक स्कूल है जो दिन के वक्त एक आम स्कूल की तरह दिखता है, पर रात के वक्त यही स्कूल एक हॉन्टेड प्लेस में बदल जाता है, और इसी स्कूल से रिलेटेड कई सारी कहानियां लोकल्स के पास से सुनने मिलती है। कई लोग मानते हैं कि ये स्कूल एक श्रापित जगह है, क्योंकि ये स्कूल जब से बना है तब से लेकर आज तक इस स्कूल में कई सारी भयानक आवाजें रात को आती रहती है। स्कूल में जब भी कोई नया वॉचमैन अपॉइंट होता है वो अगले ही दिन इस नौकरी को छोड़कर भाग जाता है। वॉचमैन का ये कहना है कि 12 बज जाने के बाद स्कूल में कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, और स्कूल के सारे ही फ्लोर से विंडोज और डोर्स ओपन होने की आवाजें आती रहती है। सेक्टर 56। गुड़गांव के सेक्टर 56 में एक अपार्टमेंट है जहां पर माना जाता है कि एक शैतानी आत्मा रहती है। ये माना जाता है कि इस अपार्टमेंट में एक फॉरेनर रहता था जो किसी काम से गुड़गांव में रहने आया था। जब से वो फॉरेनर उस घर में रहने लगा तब से उसके साथ कई सारी पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। उस घर में अचानक से दरवाजे बंद हो जाने और बच्चों की आवाजें सुनकर वो फॉरेनर बहुत ज्यादा ही डर गया। इसी डिस्टर्बिंग घटनाओं को लेकर उस फॉरेनर ने उस बिल्डिंग के 13 फ्लोर से जंप मारकर अपनी जान ले ली। बहुत साल बाद उसी रूम में रहने वाली एक औरत और उसके फैमिली ने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस किया। कई लोगों के डर का कारण बनने वाला ये रूम आज बंद है, और कोई भी नई फैमिली इस घर की कहानी सुनकर यहाँ पर रहने का फैसला बदल देती है। अशोक विहार फ्लाईओवर। अशोक विहार की हॉन्टिंग्स के बारे में गुड़गांव के सारे ही लोग वाकिफ हैं। ये माना जाता है कि अशोक विहार फ्लाईओवर के पास एक रोड है जहाँ पर 1 से लेकर 4 के बीच एक औरत खड़ी रहती है। कई लोगों का ये मानना है कि ये औरत रात के वक्त भटक गए कई सारे लोगों को डायरेक्शंस यानी कि रास्ता बताती है, पर जो भी लोग इस औरत से रास्ता पूछ लेते हैं या इसके सामने गाड़ी भी खड़ी कर लेते हैं उनकी गाड़ी आगे रास्ते में बंद पड़ जाती है। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी घटना घटी है कि वो कितनी भी तेज गाड़ी चलाएं वो बार बार उसी औरत के पास से गुजरते रहते हैं। सरस्वती कुंज गुड़गांव का एक बहुत ही पुराना हाउसिंग सोसाइटी है। ये माना जाता है कि सरस्वती कुंज गुड़गांव के पुराने हॉन्टेड लोकेशंस में से एक है। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का मानना है कि इनके सोसाइटी में एक 15 साल की बच्ची की आत्मा है। सोसाइटी के लोगों ने ये बताया है कि ये लड़की सोसाइटी के गार्डन में बैठकर अपने आप से ही बातें करती रहती है।
लोगों ने ये बताया है कि ये आत्मा आदमी और औरत दोनों की आवाज़ें निकाल कर सोसाइटी के सारे ही लोगों को डराती रहती है। इस सोसाइटी में ये घटना 3 दशकों से होती आ रही है और इसी वजह से इस सोसाइटी के लोग रात के वक्त घर जल्दी आ जाते हैं। सो गाइज, ये थे गुड़गांव के टॉप 5 हॉन्टेड लोकेशंस। आपकी इस लोकेशंस के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन। और हम ऐसी सारे वीडियोस लेके आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइज, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।